24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। गढ़वा के पास साइकिल से स्कूल जा रही 18 वर्षीय छात्रा को ट्रैक्टर चालक ने कुचला। ग्रामीणों द्वारा हंगामा करने पर मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। जानकारी के अनुसार हाईस्कूल में पढ़ने वाली छात्रा पूजा पुत्री स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद कुशवाहा उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम अक्षोवा सुबह लगभग 8 बजे अपने गांव से साइकिल पर सवार होकर ग्राम रेवन में स्कूल जा रही थी। जैसे ही वह ग्राम गढ़वा के पास पहुंची तभी तेजी से लापरवाही से चलाते हुए ट्रैक्टर चालक ने छात्रा को कुचल दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। रायगीरों द्वारा घटना की सूचना तत्काल लहचूरा थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रायगीरों की मदद से घायल छात्रा को उपचार के लिए एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर पहुँचाया जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाने के बाद भी चक्का जाम नहीं खोला गया और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। सूचना लगने पर मऊरानीपुर तहसील से उपजिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है, आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मऊरानीपुर से संवाददाता भूपेंद्र सिंह परिहार की रिपोर्ट। सर, आज ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, क्या मांग थी और क्या घटना घटी इनकी बच्ची के साथ? यहाँ पे एक बिटिया थी हमारी अक्से ग्राम की, वो स्कूल पढ़ने जा रही थी सवेरे और इधर से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो रेत भरा हुआ आया था, उसी से वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के पश्चात में यहाँ पे गांव के कुछ लोग ही उनको जो है तत्काल हॉस्पिटल यहाँ से ले गए हैं। हॉस्पिटल में हमारी डॉक्टर जैन साहब से वहाँ पे बात होगी जो बच्ची को पूरा का पूरा इलाज जो है वो मुहैया करा रहे हैं। यहाँ से हमने जो ट्रैक्टर चालक था और ट्रैक्टर को उसको लहचूरा थाना पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है और अभी तहरीर के ऊपर पूरी की पूरी जो कार्रवाई है उसको हम करवा रहे हैं। वो पूरी सख्त कार्रवाई है, वो इनके खिलाफ हम लोग पूरी की पूरी करवाएंगे और बच्ची की जो पूरी मदद है वो हम पूरी की पूरी सरकारी मदद हम वहाँ पे करवाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि ये ट्रैक्टर कितने दिन बालू की सेवा चल उसके उसी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं ताकि ऐसी फिर कोई घटना जो है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो पाए।